हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी चिकन। वैसे तो इसे हम पैन में बनाएंगे, पर जो उसका टेस्ट है बिल्कुल तंदूरी चिकन जैसा होगा। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि हमें तंदूरी चिकन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ 5 चिकन लेग पीस लिए हैं, थोड़ा सा गाढ़ा दही, 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 नींबू, 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा बटर। तो आइए सबसे पहले हम चिकन में थोड़े से कट लगा लेते हैं, इससे मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब हम इसमें सभी मसाले मिला लेते हैं। और हम इसमें एक नींबू भी निचोड़ लेते हैं। और अब इसे हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं और कट्स के अंदर भी मसाला भर लेते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल लेते हैं और थोड़ा सा बटर भी, और इसे मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें चिकन के पीसेस भी डाल लेते हैं। और इन्हें मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकने देते हैं। और 2 मिनट बाद इसे पलट कर चेक कर लेंगे कि यह ठीक से तैयार हो रहे हैं। और इसे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत ही जूसी क्रिस्पी होते हैं और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। दोस्तों, तंदूरी चिकन में जब तक स्मोकी अरोमा ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, तो हम इसे भी अपने चिकन में ऐड कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए 1 चारकोल का टुकड़ा, इसे हम गैस पर लाल कर लेते हैं जब तक हमारा चिकन भी तैयार हो जाएगा। चिकन तैयार है और इसे भी एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम स्मोकी अरोमा ऐड करते हैं। हम इसके लिए छोटा बाउल या गिलास यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हम लाल किया हुआ चारकोल डाल लेते हैं। और अब थोड़ा ऑयल, और अब ये आपके चिकन को परफेक्ट तंदूरी चिकन का अरोमा देगा। इसे हम ढक देते हैं। दो मिनट बाद इसे खोल लेते हैं। अब ये जूसी क्रिस्पी तंदूरी चिकन खाने के लिए तैयार है, तो आइए सर्व करते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बहुत मेहनत करती हूं और कोशिश करती हूं कि आपको पूरा प्रोसेस ठीक से बता सकूं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड बाय, सी यू सून।